Hello friends, welcome to Jaidev classes for GRF in political science. कैसे हैं आप सब? Friend, this is Meenakshi Singh और आज हम लोग यहाँ पर करेंगे last time revision, ठीक है? So last minute revision जो है, ठीक है, वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा beneficial होने वाली है. ये audio है, ठीक है, इसमें किसी भी तरीके का मैंने video नहीं बनाया है और ये सिर्फ only audio है. तो अगर आप इसको सुनेंगे, ठीक है, तो आपको आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी, ठीक है. एंड फ्रेंड्स, जो आप लोगों में से न्यू अगर कोई स्टूडेंट है, ठीक है, जो आप लोग जून जुलाई के लिए प्रिपरेशन करना चाहता है जून 2020 के लिए, सो वो बच्चे अनअकैडमी पर आ सकते हैं. वहाँ पर प्लस टैब में जाके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और मीनाक्षी सिंह अनअकैडमी पर जब आप सर्च करोगे तो वहाँ पर मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, ठीक है. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन. अब कॉन्स्टिट्यूशन जो था, इसके निर्माण की बात होती है ना. तो जब कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण की बात होती है तो सबसे पहले संविधान सभा के गठन का विचार जो था, सबसे पहले किसने दिया था? एम एन रॉय ने दिया था 1934 में, है ना. तो संविधान सभा के गठन का, कि भाई संविधान सभा का गठन होना चाहिए, इसका विचार सबसे पहले किसने दिया? एम एन रॉय ने दिया. और रॉय जो थे, अगर हम देखें, ठीक है, तो ये वामपंथी आंदोलन के प्रमुख नेता थे, ठीक है, ये बड़े वामपंथी आंदोलन के प्रमुख नेता थे और इनके बारे में हम लोग पढ़ते भी हैं क्योंकि हमारे इंडियन पॉलिटिकल थिंकर में मानवेंद्रनाथ रॉय हैं, है ना. उसके बाद अगर हम देखें तो 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन की मांग भी की थी, ठीक है. क्या करती है कि 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस मांग करती है किस चीज़ के लिए? संविधान के निर्माण के लिए, कि संविधान सभा के गठन होना चाहिए, है ना. उसके बाद देखिए, अगर हम देखें तो नेहरू ने इस मांग को ब्रिटिश सरकार ने के रूप में स्वीकार किया, जिसे हम अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं. तो ये आप ध्यान रखना, 1940 का था ये अगस्त प्रस्ताव, जिसके अंदर क्या था, नेहरू ने इस मांग को ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया था, ठीक है. उसके बाद अगर हम देखें तो संविधान सभा के गठन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो 1946 में संविधान सभा का गठन हो गया, है ना, 1946 में संविधान सभा का गठन हो जाता है. उसके बाद संविधान सभा में अगर देखें तो कुल जो सीटें होती हैं वो होती हैं 379, यानी 389. कितनी सीटें होती हैं? 389, ठीक है. और इनमें से 296 जो सीटें होती हैं वो ब्रिटिश के लिए होती हैं, ब्रिटिश भारत, और 93 जो सीटें होती हैं वो होती हैं प्रिंसली स्टेट्स के लिए. किसके लिए? प्रिंसली स्टेट्स, 93 सीट्स, ठीक है. तो इनको मतलब बांटी जानी थी, ब्रिटिश भारत को जो ये सीटें दी जानी थी, इसमें 296 जो सीटें थी, ठीक है, उसमें से 292 सदस्यों का उनको चूज करना था, जिसमें 11 गवर्नरों के प्रांत और चारों को चुनना था वो मुख्य आयुक्तों के प्रांत में से किया जाना था. इनको जो चुना जाना था 296 में से 292 सदस्यों का चयन और 11 गवर्नरों के प्रांत और चार का जो चयन, 292 वाला 296 है तो चार का चयन जो था वो मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से किया जाना था, ठीक है. ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि जो ब्रिटिश प्रांत था उसमें जो बांटी गई थी सीटें, ठीक है, तो उसका निर्धारण जनसंख्या के अनुपात से किया जाना था. किस अनुपात से? जनसंख्या के अनुपात से. और ये तीन समुदाय थे, कौन कौन से? मुस्लिम सिख और सामान्य, ठीक है, जनरल आ जाएंगे, मुस्लिम सिख और सामान्य. उसके बाद अगर हम देखें तो संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुआ वो जुलाई अगस्त में होता है 1946 में, ठीक है. और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो 208 सीटें मिलती हैं, मुस्लिम लीग को मिलती हैं 73 सीट्स और छोटे जो स्वतंत्र समुदाय थे उनको 15 सीटें मिल जाती हैं. और देसी रियासतों को जो बांटी गई थी सीटें वो 93 सीटें भर नहीं पाई, इसीलिए उन्होंने खुद को संविधान सभा में अलग रखने का डिसीजन लिया कि वो अपने आप को क्या रखेंगे? संविधान सभा से अलग रखेंगे, ठीक है. तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना. अब देखो, संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है, ठीक है, तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को. तो संविधान सभा की पहली बैठक जो होती है वो 9 दिसंबर 1946 को होती है. और मुस्लिम लीग हमेशा ध्यान रखना बच्चों, मुस्लिम लीग ने इसका क्या किया? बॉयकट कर दिया, एक तरह से बहिष्कार कर दिया, ठीक है, बहिष्कार किया इसका. और पाकिस्तान की मांग पर बल दिया कि हमें क्या चाहिए? पाकिस्तान चाहिए. उसके बाद
211 सदस्यों ने हिस्सा लिया था इस बैठक में, और फ्रांस की तरह ही इस सभा में भी क्या था, वरिष्ठ सदस्य सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। ठीक है, क्या होता है, फ्रांस की तरह इस सभा में भी क्या होता है, वो जो एक सीनियर मेंबर चाहिए होता है, तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है, लेकिन बाद में क्या होता है, इनकी जगह पे जो स्थायी सदस्य चुना जाता है, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान के अध्यक्ष क्या हो जाते हैं, निर्वाचित हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आप चीज ध्यान रखना। और संविधान सभा के दो उपाध्यक्ष थे, कौन कौन ये भी ध्यान रखना है, संविधान सभा के दो उपाध्यक्ष थे, एक का नाम था डॉक्टर एच सी मुखर्जी और एक का नाम था डॉक्टर वी टी कृष्णामाचारी। ठीक है, संविधान सभा के दो उपाध्यक्ष थे, एक का नाम था डॉक्टर एच सी मुखर्जी और दूसरा वी टी कृष्णामाचारी। उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद बात कर लेते हैं उद्देश्य प्रस्ताव की, तो उद्देश्य प्रस्ताव जो था वो आपका 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। ठीक है, और बस ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। और इस प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया है, तो 22 जनवरी 1946 को इस प्रस्ताव को सबकी सहमति से क्या कर लिया जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, अगर हम देखें तो आप लोगों को सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है, आपको 24 जनवरी 1950 याद रखना है, कौन सी डेट, 24 जनवरी 1950। अब इसमें तीन चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, कौन कौन सी, एक तो राष्ट्रीय गान अपनाया गया था, दूसरा राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हमारे भारत का, हमारे स्वतंत्र भारत का पहला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। ठीक है, हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 24 जनवरी 1950 को चुन लिया गया था। अब आपको इसे दो दिन पहले जाना है, दो दिन पहले यानी 22 जनवरी, तो 22 जनवरी देखो, उस दो दिन पहले मतलब इसका, लेकिन ईयर अलग है, ठीक है, मैं बस याद करने के लिए बता रही हूँ। तो 22 जनवरी 1947, ये इस डेट को याद रखना, इस दिन राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। ठीक है, इंडिया ने, अगर हम देखें इंडिया के अंदर राष्ट्रीय ध्वज, ठीक है, जो आपका नेशनल फ्लैग है, वो 22 जुलाई 1947 में अपनाया गया था। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग, और आप लोगों को सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मेंबर याद रखने हैं। ठीक है, तो संघ शक्ति समिति के जवाहरलाल नेहरू थे, संघीय संविधान समिति के जवाहरलाल नेहरू थे, प्रांतीय संविधान समिति के सरदार पटेल थे, प्रारूप समिति के तो सबको याद है ना, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, वेरी गुड। ठीक है, उसके बाद प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति याद रखना बच्चों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, और राज्यों के लिए जो समिति थी उसके जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। ध्वज संबंधी जो तदर्थ समिति थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भाषाई प्रांत आयोग जो थे वो एस के डार थे। ठीक है, और नागरिकता पर तदर्थ समिति थे, इस पर वरदाचारी थे। ठीक है, जो कि अगर हम देखें तो ये मेंबर नहीं थे, ये ध्यान रखना आप लोग। अब हम आते हैं प्रारूप समिति पे, ड्राफ्ट कमेटी। अब ड्राफ्ट कमेटी जो हुई थी, उसको बनाया कब गया था, तो इसको बनाया गया था 29 अगस्त 1947 में आपको, आपकी जो ड्राफ्ट कमेटी थी उसको बनाया गया था। ठीक है, और इसको काम जो सौंपा गया था बिल्कुल इसके नाम के है, एज इट इज प्रारूप, किसका, संविधान का कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बनाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो प्रारूप समिति को सौंपी गई थी। और सबसे इम्पॉर्टेंट इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, सो आप लोगों को ध्यान रखना है, इसमें जो टोटल 141 यानी 141 बैठकें हुई थी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग। और हमारे संविधान में, संविधान सभा की कुल कितने बैठकें हुई थी, तो 11 बैठकें हुई थी। ठीक है, संविधान सभा की टोटल कितनी बैठकें हुई थी, 11 बैठकें। और संविधान को बनने में कितना टाइम लगा, तो 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। टोटल खर्चा कितना आया था, तो 64 लाख रुपए का इसमें खर्चा आया था, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम देखें, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बोला जाता है ना कि उधार का थैला है, तो सोर्सेज बड़े इम्पॉर्टेंट हैं,
सोर्सेज जरूर कर लेना एक बार, क्योंकि सोर्सेज से क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर, ठीक है? तो सोर्सेज से पिछली बार भी क्वेश्चन आया था, तो इस बार भी पूछा जा सकता है, तो आप करके जाना, ठीक है? डेफिनेटली हमें क्या करके जाना है, पूरा प्रिपेयर होके जाना है। सो इसीलिए तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि भाई इसमें ये याद रखना कि एकात्मकता की भावना में संघ या अर्धसंघ, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ये कौन बोलता है? एकात्मकता की भावना में संघ, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ये केसी वेरे ने बोला है। और बार्गेनिंग फेडरलिज्म कौन बोलता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को? बार्गेनिंग फेडरलिज्म हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बोला है मॉरिस जॉन्स ने, ठीक है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कौन बोलते हैं कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है? तो ये बोलते हैं ग्रैनविल ऑस्टिन, ठीक है? फिर आ जाता है एक आपका फेडरेशन विद अ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, तो इसमें आ जाते हैं जॉनिंग्स, ठीक है? आइवर जॉनिंग्स इनका पूरा नाम है, ठीक है? फेडरेशन विद द सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ये बोलते हैं आइवर जॉनिंग्स, ठीक है? तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। उसके बाद आप लोग ये चीज़ भी ध्यान रखना बच्चों कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये मिनर्वा मिल्स मामला क्या था, मिनर्वा मिल्स मामला क्या था? तो ये 1980 का मामला है, 1980 का। इसके अंदर सर्वोच्च न्यायालय ने ये फैसला दिया था कि भारतीय संविधान के अंदर यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मौलिक अधिकार और DPSP यानी फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP के बीच में क्या रखा जाएगा, संतुलन रखा जाएगा, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पर थी। और भी मामले अभी आगे आएंगे तो फिर मैं आपको बताती जाऊँगी, ठीक है? 2002 में 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ा गया था, जिसे आज अगर हम देखें तो कहाँ रखा गया है, आर्टिकल 51 के ए में, वेरी गुड, ठीक है? 1976 में अगर हम देखें तो 42वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके अंदर अगर हम देखें तो प्रस्तावना में शब्दों को जोड़ा गया था, है ना? तो सबसे इम्पॉर्टेंट अगर हम देखें तो इसमें शब्दों को जोड़ा गया था, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, है ना, ये चीज़ें। और एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ठीक है? तो देखिए कौन से तीन वर्ड थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ठीक है? 1976 में जोड़े गए थे। और एक और चीज़ अगर पूछा जाता है कि कौन से क्वेश्चन में कि जो ये आपका आप वोटिंग करने जाते हैं, है ना, आपको वोट मतदान करने की एक तरह से आपको मिली हुई है, ठीक है? तो ये एज पहले 21 हुआ करती थी, है ना, तो इसको 18 कब कर दिया गया, तो ये आ सकता है। तो भाई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आपको याद होना चाहिए कौन सा था और कब किया गया था। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है आपका वो 1989 का है, 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1988 में 21 वर्ष से घटाकर मतदान की आयु, कि भाई आपको राइट टू वोट है, आप वोट करने जाएंगे तो आपको वोट कब दे सकते हैं आप, जब आप 18 के हो जाएं, ठीक है? तो पहले ये उम्र हुआ करती थी 21, बाद में इसको घटाकर कितना कर दिया गया 18 कर दिया गया, ठीक है? तो ये आप ध्यान रखना, कौन सा बताया मैंने, 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और 1988 में ये एज को किया गया था, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब का है, एक साल बाद का, यानी 1989 का, ठीक है? ये चीज़ ध्यान रखनी है। और अब हम इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस कर लेते हैं, वो है आपका सोर्सेज, ठीक है? सोर्सेज डिस्कस कर लेते हैं। तो जो आप लोगों के हमारा जो 1935 का भारतीय शासन अधिनियम है ना, उसका चलो मैं उसको अभी आगे बताऊंगी, चलो पहले सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं जापान से हमने क्या लिया है। तो जो भी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है वो हमने जापान से ली है। फ्रांस से हमने क्या क्या लिया है, हमने फ्रांस से लिया है गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ठीक है? जो तीन चीज़ें हैं ना, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, ठीक है, ये चीज़ें हमने ली हैं। और फिर आ जाते हैं हम लोग दक्षिण अफ्रीका से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अमेंडमेंट, ठीक है? संविधान में जब हमें संशोधन करना है तो ये हमने प्रक्रिया कहाँ से ली है, साउथ अफ्रीका से ली है, दक्षिण अफ्रीका से ली है, ठीक है? और राज्यसभा के जो सदस्यों का निर्वाचन होता है वो भी प्रक्रिया हमने कहाँ से ली है, दक्षिण अफ्रीका से ली है। सोवियत संघ से हमने क्या लिया है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने कहाँ से लिए, सोवियत संघ से लिए, ठीक है? प्रस्तावना में न्याय का आदर्श,
जो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय बताया था, है ना, प्रस्तावना में सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, याद आया? ठीक है, तो यही हमने कहाँ से लिया है, सोवियत संघ से लिया है। उसके बाद आते हैं जर्मनी। जर्मनी से हमने क्या लिया है, आपातकाल, वेरी गुड, ठीक है, अमरजेंसी। अमरजेंसी हमने कहाँ से ली है, जर्मनी से ली है। और जब फंडामेंटल राइट्स का जब स्थगन किया जाता है तो ये प्रक्रिया भी हमने कहाँ से ली है, जर्मनी से ली है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ कनाडा के संविधान से हमने क्या क्या लिया है। तो कनाडा से सबसे इंपॉर्टेंट जो हमने लिया है, संघीय व्यवस्था, फेडरलिज्म, ठीक है, फेडरल सिस्टम, वेरी गुड। ठीक है, फेडरल सिस्टम जो लिया है वो हमने कनाडा से लिया है। जो अपशिष्ट शक्तियाँ होती हैं वो जो केंद्र में निहित होती हैं, कि अपशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित होंगी, पढ़ते हो ना, तो वो भी हमने कहाँ से लिया है, कनाडा से लिया है। ठीक है, और जो सेंटर द्वारा, सेंट्रल द्वारा जो स्टेट के जो गवर्नर होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट होती है, और जो ठीक है, तो और इसमें क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट के परामर्शी न्याय निर्णय, यानी कि अगर हम देखें तो उनसे पूछा जाता है, ठीक है, एक तरह से राज्यपाल की नियुक्ति करते वक्त। तो ये चीज़ें भी हमने क्या लिए, इसी से लिए, कनाडा से। उसके बाद आ जाइए ऑस्ट्रेलिया से, तो समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट हमने लिया ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, और सदन के अंदर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है, जब बुलाई जाती है कि सदन के अंदर संयुक्त बैठक होती है, तो वो भी हमने इधर से कहाँ से लिए, ये हमने लिए हैं आपकी ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, उसके बाद आ जाइए आयरलैंड। आयरलैंड से लिया है हमने DPSP, राष्ट्रपति को जो हम इलेक्ट करते हैं उसमें जो भी मेथड यूज होता है वो भी हमने यहाँ से लिया है। ठीक है, और राज्यसभा के लिए जो सदस्यों का नामांकन होता है तो वो भी हमने आयरलैंड से लिया है। फिर आते हैं ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया है, ब्रिटेन से हमने लिया है सबसे इम्पॉर्टेंट एकल नागरिकता, है ना, मंत्रिमंडल प्रणाली, संसदीय शासन, है ना, परमाधिकार लेख जो भी हैं आपके, ठीक है, संसदीय विशेष अधिकार, और दो सदन जो होते हैं, द्विसदनवाद, ये भी हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया है। फिर आते हैं USA पे, यानी अमेरिका। अमेरिका से हमने लिया है फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, और न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत लिया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को जो पद से हटाया जाता है, ठीक है, इनको, और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है, ये सब हमने USA से लिया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक अगर हम देखें तो जो उपराष्ट्रपति, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट की यहाँ पर बात है, बात की गई है, तो वो भी हमने अमेरिका से ली है। ये हो गया। अब आप भारत सरकार, जो भारत शासन अधिनियम जो है 1935 का, तो उससे हमने क्या क्या लिया, इसमें आपातकालीन उपबंध है, प्रशासनिक विवरण, जो लोक सेवा आयोग है, न्यायपालिका, ठीक है, राज्यपाल का कार्यालय, ठीक है, ये सब चीज़ें हमने इससे ली हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। चलिए अब हम चलते हैं आगे, ठीक है, आई होप क्लियर हो रहा होगा। मैं वैसे धीरे धीरे बोल रही हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए, ठीक है। अब प्रीएम्बल अगर हम देखें तो प्रीएम्बल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है, तो आपको मैंने अभी बताया प्रीएम्बल हमने कहाँ से लिया है, अमेरिका के संविधान से जो प्रीएम्बल है, ठीक है। देखिए जो प्रस्तावना के अंदर, प्रीएम्बल के अंदर जो भी मतलब हमने देखा था, ठीक है, मैं ये प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना का मुझे कुछ और बोलना था, मैंने कुछ और बोल दिया, बट मैं अभी यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। प्रस्तावना में हमने अलग अलग से लिया है, मैंने आपको बताया न्याय, है ना, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, तो एक तरह से अगर हम देखें तो सबसे पहले अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया गया था, मैं ये बोलना चाहती थी, ठीक है। तो सबसे पहले अमेरिकी संविधान में क्या किया गया था, प्रीएम्बल को शामिल किया गया था, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। और 42nd जो अमेंडमेंट एक्ट हुआ 1976 द्वारा, तो इसमें तीन शब्द को जोड़ा गया, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, ठीक है, और आपका ये अखंडता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, इन तीन वर्ड्स को जोड़ा गया था, ठीक है। ये तीन वर्ड्स का मैंने आप लोगों को बता रखा है जो प्लस वाले बच्चे हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बुक आ जाती है, प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है, तो ये अर्नेस्ट बार्कर की बुक है, सबसे इम्पॉर्टेंट, तो ये बुक आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं बेरुबाड़ी मामला क्या था। तो बेरुबाड़ी मामले में आपको ये ध्यान रखना है, बेरुबाड़ी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया था, 1960 का मामला है ये, ठीक है,
1960 का मामला है कि उच्च ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। बेरुबाड़ी मामले में क्या कहा गया 1960 में कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो आपका केशवानंद भारती मामला था 1973 का, तो उसके अंदर क्या कहा गया, उसके अंदर उन्होंने अपने जो सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा फैसला दिया कि जो प्रियम्बल है वो संविधान का क्या है, एक इंटरनल पार्ट है, संविधान का आंतरिक हिस्सा है, ठीक है। क्या प्रस्तावना, प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है। ये कौन से मामले में कहा गया, केशवानंद भारती मामले में, ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। अब हम चलते हैं आगे, आई होप ये चीजें क्लियर हो रही होंगी आप सबको। जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम था वो 1956 का है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और सबसे पहले जो भाषा के आधार पर अलग करा गया था उस राज्य का नाम आंध्र प्रदेश 1953, ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना। अभी चलते हैं हम लोग आगे, और चीजें मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ठीक है, अब आपके आ जाते हैं फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट जो हैं वो 12 से 35 तक हैं, ठीक है, इनको मैं आपको रिवीजन करा देती हूँ, ये रिवीजन ही हो रहा है वैसे पूरा, ठीक है। तो समानता का अधिकार जो है 14 से 18 है ना, स्वतंत्रता का अधिकार 19 to 22 है, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 to 24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 to 28, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार 29 to 30, और संपत्ति अनुच्छेद 31 में रखा गया है ना, ठीक है। और अगर हम देखें अनुच्छेद 31 में पहले था, ठीक है, ये आप हट गया, ठीक है, 300A में रख दिया गया, आपको पता है, ठीक है। 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया, ठीक है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अगर हम देखें तो आर्टिकल 32, ठीक है। सो एक बार ब्रीफ में देख लेते हैं 14 to 18 जो आपका राइट टू इक्वालिटी है, तो कानून के समक्ष सब समान होंगे, ठीक है, आर्टिकल 14 बोलता है, और किसी भी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी वंश का, लिंग का, जन्म स्थान का हो, ठीक है। फिर हम देखें तो लोक मतलब अफसर की समानता दी गई है आर्टिकल 16 में। आर्टिकल 16 जो है, मैं दोबारा बता देती हूँ, अफसर की समानता की बात करता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी, ठीक है। और आर्टिकल 17 बात करता है कि छुआछूत का अंत होगा, ठीक है, उपाधियों के अंत की बात करता है आर्टिकल 18। फिर आ जाता है आपका राइट टू लिबर्टी 19 to 22। तो 19 में बात की गई है अगर हम देखें तो इसमें बात की गई है आपकी सुरक्षा की, ठीक है, बोलने, अभिव्यक्ति कर, अभिव्यक्त करने की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है आपको, ठीक है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि संरक्षण, ठीक है, आर्टिकल 20। आर्टिकल 21 जो है आपको राइट टू लाइफ है, आर्टिकल 21 के इसमें आ जाता है आपको एजुकेशन का राइट है, ठीक है। और फिर आर्टिकल 22 में आ जाता है आपका कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण भी आपको मिलता है। फिर हम बात कर लेते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, तो आर्टिकल 23, 24 इससे रिलेटेड है, तो इसके अंदर जो है बलात्श्रम का प्रतिषेध है आर्टिकल 23 में, और बच्चों को कारखाने, बच्चों के नियोजन में मतलब एक तरह से काम नहीं करने देंगे, ठीक है, जो 14 साल से कम के हैं, तो आर्टिकल 24। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार बात करता है 25 to 28, तो आर्टिकल 25 जो है वो क्या बोलता है कि भाई आपको धर्म को, किसी भी धर्म को मानने का, आचरण करने का, प्रचार करने की बिल्कुल स्वतंत्रता है, ठीक है। धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता की बात करता है आर्टिकल 26, और आर्टिकल 27 बात करता है कि किसी भी धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर के संप्रदाय के रूप में स्वतंत्रता, ठीक है, इसकी यहाँ पर ये बात होती है। तो ये आपके हो गए, फिर आ जाओ 29 to 30, तो ये दोनों अल्पसंख्यक से रिलेटेड है, ठीक है, 28 छूट गया, तो इसमें देखिए धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता, जो शिक्षा संस्थान है ना उसके अंदर, ठीक है,
तो कुछ शिक्षा संस्थान में जो भी धार्मिक शिक्षा दी जाती है, धार्मिक उपासना, तो उसमें उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता ही आपको है, आर्टिकल 28। फिर आ जाता है 29, 30। अगर हम देखें तो 29 की बात होती है कि इसमें बात की जाती है कि अल्पसंख्यकों की भाषा, संस्कृति, लिपि, इन सब की सुरक्षा की बात की गई है। फिर आर्टिकल 30 में बात की गई है शिक्षा संस्थान की स्थापना जो भी अल्पसंख्यकों के वर्गों के लिए, ठीक है। फिर आ जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को जो है वो मैं आपको बहुत अच्छे से बता देती हूँ, क्योंकि इससे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, आ जाता है। तो हम लोग पहले ये संवैधानिक उपचारों के अधिकार को समझ लेते हैं। संवैधानिक उपचारों के अधिकार में सबसे पहले आ जाता है आपका बंदी प्रतिक्षीकरण। बंदी प्रतिक्षीकरण हमेशा ध्यान रखना कि प्रस्तुत करना। अब प्रस्तुत करना मैं छोटे-छोटे मीनिंग में समझा रही हूँ। प्रस्तुत करना मतलब कि भाई अगर जैसे किसी को भी हिरासत में रखा गया है, ठीक है, तो उसे एक तरह से न्यायालय में पेश किया जाए, ठीक है, आने जाने का टाइम नहीं गिना जाएगा, तो ये प्रस्तुत करना बंदी प्रतीक्षीकरण। उसके बाद आता है परमादेश, ठीक है। आप इसे कैसे याद रख सकते हो, ब प्र उवा, ठीक है, ब प्र उवा, ब प्र उवा करके याद रख सकते हो, ठीक है, ब से बंदी प्रतिक्षीकरण। क्योंकि कभी कभी ना क्या आ जाता है कि इसको ना मतलब उसमें लगाना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है कि जैसे ये है वैसे लगाना है, तो ब प्र उवा, ठीक है, ये याद रखना है, ब प्र उवा, ठीक है, ऐसे करके ध्यान रखना है। तो ब से बंदी प्रतिक्षीकरण, प से परमादेश, फिर आ जाएगा प्र, तो प्र से प्रतिषेध, फिर आ जाएगा ऊ से उत्प्रेक्षण, फिर आ जाएगा आ यानी अधिकार प्रच्छा, ठीक है। तो ब प्र उआ, ठीक है, ये से याद रखना। तो उसके बाद परमादेश, परमादेश मतलब आदेश देना, परमादेश मतलब इसके नाम में ही इसका मीनिंग छुपा है, आदेश देना। अब देखो आदेश देना, ठीक है, आदेश देना है क्या, तो एक तरह से हम देखें ये क्या है, एक आदेश होता है या एक नियंत्रण है, यानी कि न्यायालय द्वारा जो भी दूसरे अधिकारियों के लिए जारी किया जाता है, ठीक है, ताकि वो लोग अपने कामों को अच्छे से कर सकें, ठीक है। तो अगर वो लोग अपने काम को ठीक से नहीं कर रहे हैं तो हम उनको आदेश दे सकते हैं कि हाँ भाई अपना काम प्यार ढंग से कर लो, ठीक है, ये हो जाता है आपका परमादेश। फिर आ जाता है प्रतिषेध। प्रतिषेध का मीनिंग ही आपको क्या निकल रहा है कि भाई किसी चीज को रोक रहे हैं, रोकना, प्रतिषेध से याद रखना है, रोकना, रोकना यानी कभी भी मान लो कोई भी हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट द्वारा अधीनस्थ जो भी उसके नीचे कोर्ट है या अधिकरण या अपने न्याय क्षेत्र से उच्च न्याय जो उच्च न्यायिक कार्यों को करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है, यानी जो उच्च न्यायालय होगा वो अपने नीचे वाले कोर्ट को अगर वो उसके अपने दायरे में रह के काम नहीं कर रहा है, अगर वो ऐसे एक केस की सुनवाई कर रहा है जो उसके दायरे में नहीं आता है, वो हाई कोर्ट के दायरे में आता है, तो वो उनको रोक सकते हैं यानी प्रतिषेध, ठीक है। फिर आ जाता है उत्प्रेक्षण। उत्प्रेक्षण मतलब क्या होता है, उत्प्रेक्षण मतलब होता है सूचना देना। क्या होता है, सूचना देना, यानी कि अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है, एक अगर मान लो एक हाई कोर्ट है, उससे नीचे जो सबॉर्डिनेट्स कोर्ट है, ठीक है, जो भी एक तरह से हाई कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट के नीचे सबॉर्डिनेट कोर्ट हो गए, ठीक है, तो अगर उसमें कोई मामला, अगर मान लो उसके अधिकार को, जैसे कोई बहुत लंबे टाइम से मामला पड़ा हुआ है, तो उसको स्थानांतरण को सीधे पत्र जारी किया जाता है। मतलब कि अगर जैसे मान लो अधीनस्थ के अंदर बहुत लंबे टाइम समय से कोई मामला पड़ा हुआ है, तो उसको सीधा अपने पास मंगवा सकते हैं हाई कोर्ट, ठीक है, ये चीज हो जाती है। इसमें पत्र दे देते हैं वो सबॉर्डिनेट कोर्ट को, ठीक है, हाई कोर्ट, तो सीधा उनके पास वो मामला ट्रांसफर हो जाता है। इसमें उत्प्रेक्षण में ये होता है, उत्प्रेक्षण में आपको याद रखना है कि सूचना देना, ठीक है, उत्प्रेक्षण, सूचना देना। फिर आ जाता है आपका ब प प्र उ आ, आ आ गया ना, आ मतलब अधिकार प्रच्छा। अब इसका मतलब क्या होता है, यानी कोई भी वारंट के द्वारा, क्या होता है, वारंट के द्वारा, इसके अंदर क्या होता है, न्यायालय जो होता है, न्यायालय, न्यायालय किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई भी किसी भी काम, किसी भी ऑफिस में, अगर वो गवर्नमेंट ऑफिस है, ठीक है, उसके दायरे में अपने दावे की जांच के लिए जारी किया जाता है। जैसे मान लो कि अगर किसी को लग रहा है, उसे डाउट हो रहा है कि हाँ भाई वो उस पोस्ट के लिए, एक तरह से उस पोस्ट के लिए नहीं है, ठीक है, वो उसके मतलब उसकी जो क्वालिफिकेशन है या ऐसा कुछ, तो वो उस पोस्ट के लायक नहीं है, ठीक है, तो वो उसकी जांच के लिए एक तरह से
जांच की जा सकती है, ठीक है। तो ये जांच करने के लिए जो मतलब दावा किया जाएगा वो अधिकार प्रच्छा के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो ये हो गए आपके रिट, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं आपके मंडल कमीशन की या मंडल आयोग की, ठीक है। अब ये मंडल आयोग नाम सुना सुना लग रहा है, अरे हमें पता है, यस यही होना चाहिए, ठीक है। तो मंडल आयोग क्या था, 1979 में मोरारजी देसाई जो थे, ठीक है, इन्होंने इस आयोग मतलब इसमें पिछड़े वर्ग के लिए गठन हुआ था, जो पिछड़ा वर्ग यानी OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। तो इसमें BP मंडल की अध्यक्षता में हुआ था ये। तो इसके अंदर क्या था बच्चों, इसके अंदर 27% आरक्षण की सिफारिश हुई थी, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो 27% आरक्षण की घोषणा भी कर दी गई थी, ठीक है, किसके लिए, अन्य पिछड़े वर्ग यानी OBC के लिए, ठीक है। यहाँ इतना हो गया, आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, संपत्ति का आपको पता ही है, ठीक है। 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 कहाँ रख दिया गया है, 300A में, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात कर लेते हैं DPSP की, ठीक है। DPSP मैंने बहुत अच्छे से कराया हुआ है, 36 से 51 के बीच में DPSP दिया हुआ है, ठीक है। आयरलैंड के संविधान से हमने लिया था, ठीक है। और इसको जो ऑस्टिन है ना, ऑस्टिन, उन्होंने इनको DPSP और अधिकारों को क्या बोला था, संविधान की सोल बोला था, ठीक है। एक तरह से बेसिक सोल बोल सकते हैं, संविधान की मूल आत्मा बोला था, ये ध्यान रखना आप लोग। चलिए अब लोग हम लोग गोलकनाथ मामला, सबको पता है गोलकनाथ मामला क्या था, ठीक है। इसमें उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था की थी कि संसद किसी भी मूल अधिकार जो अपनी प्रकृति में उल्लेखनीय है उसको समाप्त नहीं कर सकती, ठीक है। ये मामला था, ये ध्यान रखना, गोलकनाथ मामला कब का है, 1967 का, ठीक है। उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि संसद किसी भी मौलिक अधिकार जो अपनी प्रकृति में उल्लंघनीय है उनको समाप्त नहीं कर सकती, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना आप लोग। अब मैं आपको ये वाले बता देती हूँ, DPSP बता देती हूँ। 36 में क्या है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट, 37 सिद्धांतों को, इसमें जो भी सिद्धांत है उनको बताता है, 38 में अगर हम देखें तो जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को इन्हेंस करने की बात करता है, बढ़ावा देने की बात करता है। आर्टिकल 39 जो है आपका डीपीएसपी में, तो कुछ नीति सिद्धांतों की बात करता है राज्य द्वारा जो फॉलो किए जाएंगे। 39 का ए अगर हम देखें तो निःशुल्क कानूनी सहायता और न्याय की बात करता है। 40 जो है वो पंचायतों, ग्राम पंचायतों का कैसे रिलेटेड है, ग्राम पंचायत, ठीक है। 41 अगर हम देखें तो काम का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार। और 42 में अगर हम देखें तो उस अगर काम मिल गया तो उसकी कार्य की भाई मानवीय कार्य की दशाएं होनी चाहिए, भाई आप उसका कर पाओ, ठीक है। तो ये 42 में है। फिर 43 में अगर हम देखें, चलो काम मिल गया, अब काम मिल गया मानवीय दशा भी ठीक है उस काम की, ठीक है। जो आप काम करोगे अब वेतन देखोगे, ठीक है। तो आपका निर्वाह वेतन एक तरह से होना चाहिए, भाई इतना होना चाहिए कि भाई आप अपना निर्वाह कर लें। फिर 43 के ए में देखें तो सभी उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की सहभागिता होनी चाहिए, ठीक है, प्रोत्साहन होना चाहिए 43 के बी में। 44 में देखें तो समान नागरिक संहिता की बात करती है, 44 आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता की बात करती है। 45 अगर हम देखें तो 6 से कम आयु वाले बच्चों की शिक्षा, देखभाल, स्वास्थ्य, ये सारी चीज़ें बात करती है, ठीक है। 6 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों की शिक्षा की बात करती है, उनके स्वास्थ्य के लिए बात करती है। 46 अगर हम देखें तो ये जनजाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, ठीक है, इन सबके शैक्षणिक आर्थिक हितों को बढ़ावा देने की बात करती है। 47 में अगर हम देखें तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को सुधारना, ठीक है, स्वास्थ्य को सुधारना, अच्छा खाना, ठीक है, ये सब की बात करती है। 48 जो है कृषि और पशुपालन से रिलेटेड है। 48 का जो ए है आपका वो पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड है। 49 जो है आपका वो आपका जितने भी आपके हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं
उनके संरक्षण की बात करती है, आर्टिकल 50 बात करती है जुडिशरी से, आपकी मतलब न्यायपालिका से कार्यपालिका का को अलग करना, ठीक है। और 51 जो है वो बहुत ही सिंपल है, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को प्रोत्साहन देना, ठीक है। तो ये आपके हो गए आपके DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अब आते हैं अमेंडमेंट, ठीक है। अमेंडमेंट की बात करें तो ये अमेंडमेंट जो है वो आपका आर्टिकल 368, ठीक है। संविधान जो है आपका अगर हम देखें तो संविधान में अगर हम देखें तो संविधान को कैसा बनाया गया, कठोर और लचीला दोनों बनाया गया, ताकि संविधान में अगर हम देखें तो संशोधन किया जा सके टाइम टू टाइम सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब जो है इसमें संविधान में तीन तरीके से संशोधन हो सकते हैं। पहला, संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधन हो सकता है। सेकंड, संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन हो सकता है। और थर्ड देखें तो संसद के विशेष बहुमत द्वारा प्लस राज्य की विधान मंडलों के जो भी स्टेट हैं उन सबके आधे राज्य विधानमंडलों की उसमें एक तरह से एक्सेप्टेंस या एग्री बोल दो, संतुति बोलते हैं इसे हिंदी में, इसके बाद संशोधन हो सकता है, ठीक है। थर्ड मैंने क्या बताया, संसद का विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य विधानमंडलों की एक्सेप्टेंस, ठीक है। इससे तीन तरीके के संशोधन हो गए आपके। अब इसमें मिनर्वा मिल्स मामला है 1980 का, मिनर्वा मिल्स मामला हमेशा ध्यान रखना। इसमें क्या था, संसद की संविधान संशोधन की शक्ति को क्या कर दिया गया, सीमित कर दिया गया, ठीक है। संविधान एक तरह से संसद की शक्ति सीमित कर दी गई संविधान में संशोधन करने की। मूल अधिकारों से छेड़छाड़ नहीं होगी, जैसे आप लोग जानते हो ये वाला है ना। ठीक है, सो अब हम लोग बात कर लेते हैं पार्लियामेंट, संसद की, ठीक है। तो लोकसभा में अधिकतम सीटें कितनी होती हैं, 552, ठीक है। वर्तमान अगर हम देखें तो कितनी है, 545। और सबसे पहले अगर हम देखें तो पहले 525 थी, जिसको 545 तक बढ़ाया गया। और ये कौन सा अमेंडमेंट था, 31st अमेंडमेंट एक्ट था, जिसके तहत 545 कर दिया गया था, ठीक है। और फोर्थ जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, ठीक है, उस आधार पर क्या कर दिया गया, सीटों को फिक्स कर दिया गया, ये भी ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। उस आधार पर क्या किया गया, सीटों को फिक्स कर दिया गया था। और लोकसभा निर्वाचन के लिए अगर हम देखें तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष, और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, है ना। और इसमें जो होते हैं 530 जो होते हैं वो राज्यों से होते हैं, और 13 कितने कहाँ से होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। तो ये टोटल, और दो जो होते हैं वो एग्लो इंडियन होते हैं। इस तरीके से मिला के कितने होते हैं, 545। दोबारा बता रही हूँ, 13 जो होते हैं वो केंद्र शासित प्रदेशों से होते हैं, 543 यानी 543 जो होते हैं वो आपके नॉर्मली, ठीक है, सब पूरे देश से, और जो दो होते हैं वो होते हैं आपके एग्लो इंडियन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो टोटल बन जाता है वो बन जाता है 545। लोकसभा में अगर हम देखें तो राज्यों को जनसंख्या के आधार पर ही क्या किया गया है, सीटों को बांटा गया है। लोकसभा में अगर हम देखें तो जो अग्ल भारतीय समुदाय है उसे सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसको दी गई है, यस, प्रेसिडेंट को दी गई है। तो देखिए, लोकसभा को भंग किया जा सकता है, ठीक है, कार्यकाल पूरा होने से पहले, किसकी सिफारिश पर, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, और किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। और उत्तर प्रदेश का अगर हम देखें तो लोकसभा व राज्यसभा के जो प्रतिनिधित्व होते हैं, प्रतिनिधित्व हो जो होते हैं प्रतिनिधि, वो सबसे अधिक होते हैं, ठीक है। और अगर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है, अब भाई ऐसा कौन है जो अपने पद की शपथ नहीं लेता है,
तो वो होते हैं लोकसभा के अध्यक्ष, ठीक है। लोकसभा के अध्यक्ष ये होते हैं, तो ये अपने पद की शपथ नहीं लेते हैं, ठीक है। लोकसभा के अध्यक्ष को पद से जो है हटाया जा सकता है। लोकसभा के सभी सदस्यों को बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा ये क्या कर सकते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष को हटा सकते हैं। लोकसभा जो है वो राज्यसभा की तुलना में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली सदन है। धन विधेयक जो होता है वो केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, हमेशा ध्यान रखना। धन वित्त विधेयक जो होता है वो केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, और धन विधेयक के अगर वो इसका निरस्तीकरण हो जाता है या संशोधन होता है, ठीक है, धन विधेयक का निरस्तीकरण हो जाए या संशोधन हो जाए तो मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व के संबंध में होता है ये। अब बात कर लेते हैं राज्यसभा की, ठीक है। तो राज्यसभा अगर हम देखें तो जनसंख्या के अनुपात से सब कुछ, यहाँ राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, लोकसभा का 5 वर्ष होता है ना। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार, ये एक स्थायी सदन है, कैसा है, स्थायी सदन, ठीक है। तो ये राज्यसभा को भंग होता ही नहीं है, ये स्थायी सदन है। राज्यसभा अगर हम देखें तो राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। जो इसके मेंबर होते हैं वो स्टेट से यानी राज्यों से इलेक्ट होकर आते हैं अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, ठीक है, इनको इनडायरेक्ट मेथड से चुना जाता है। राज्य के सभापति जो होते हैं वो कौन होते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, यस उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। तो राज्य के जो सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं। महान्यायवादी जो होते हैं वो दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है इन्हें, ठीक है, महान्यायवादी को दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है, ठीक है। संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा प्रतिनिधित्व करता है, ये ध्यान रखना। और संसद में राष्ट्रपति को लोकसभा राज्यसभा होते हैं, ठीक है। और राज्यसभा मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या अगर हम देखें तो 12 होती है, ठीक है, कौन से आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 80 के, आर्टिकल 80, ठीक है। राज्यसभा को धन विधेयक को अस्वीकार करने या संशोधित करने की शक्ति नहीं है, ठीक है। 14 दिन अगर देखें तो मिलते हैं पारित करने के लिए राज्यसभा को। राज्यसभा में वित्तीय विवरण पर चर्चा होती है ना। राज्यसभा जो है वो अनुदान की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती, हमेशा ध्यान रखना। और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, ठीक है। राज्य जो राष्ट्रपति होते हैं वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते, और संसद राष्ट्रपति वे दोनों सदनों को मिलकर बनती है, ठीक है। जो संसद होती है वो राष्ट्रपति और दोनों सदनों को मिलकर बनती है। संसद की सदस्यता तब समाप्त हो जाती है तब वे बिना सूचित किए अनुपस्थित रहता है। कितने दिन, कितने दिन बच्चों, 60 दिन, ठीक है, 60 दिन, ये चीज़ ध्यान रखना। अब संसद की बैठक की बात कर लेते हैं, तो ये होना अनिवार्य होता है, नियमित बैठक होती है, जैसे फरवरी में हो गई, ठीक है, तो ये होती है बजट वाली, ठीक है। फिर होती है जुलाई अगस्त सेशन होता है, इसको बोलते हैं मानसून सत्र, ठीक है। फिर एक होता है नवंबर दिसंबर में, तो ये वाला होता है आपका शीतकालीन, ठीक है। तो तीन होती हैं ये, नियमित 3 बैठकें ज़रूरी हैं संसद की, ठीक है। तो एक हो गया बजट, दूसरा हो गया मानसून, बजट वाला फरवरी में होगा, मानसून वाला जुलाई अगस्त में, और नवंबर दिसंबर वाला शीतकालीन सत्र, सॉरी, ठीक है। अगर इसमें देखिए संविधान के अंदर ये बोला गया है 6 महीने के अंदर एक बैठक होना ज़रूरी है, ये चीज़ ध्यान रखना। धन विधेयक जो है वो आर्टिकल 110 में के अकॉर्डिंग है, ठीक है, ये आर्टिकल ध्यान रखना बच्चों। आर्टिकल 110 बोलता है धन विधेयक का, और आर्टिकल 112 बोलता है बजट से लेन देन, ठीक है। धन विधेयक पहले लोकसभा में पेश किया जाता है, फिर राज्यसभा में, और राज्यसभा को 14 दिन के अंदर इसे करना पड़ता है, ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। और उसके बाद देखिए राज्यसभा का अधिकार जो सीमित है, ठीक है, धन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है। केंद्र सरकार को राज्य सूची विषय पर कानून बनाने का अधिकार है, किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 249, ठीक है। केंद्र सरकार को राज्य सूची विषय पर अगर कानून बनाना है तो आर्टिकल कौन सा बताया गया, 249। लोकसभा अगर हम देखें तो इसका कार्यालय बता दिया, ठीक है, लोकसभा में सीटें जो अधिकतम होती हैं वो 552 है। अब बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर की, तो पार्लियामेंट में सिस्टम में 2 हेड होते हैं, एक नाम मात्र का और दूसरा वास्तविक। तो नाम मात्र के होते हैं आपके राष्ट्रपति,
ठीक है, और वास्तविक होते हैं आपके प्रधानमंत्री। तो आर्टिकल 74 जो है वो आपके राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, मंत्रिपरिषद का गठन होगा, आर्टिकल 74 बात करता है। आर्टिकल 75 अगर हम देखें तो मंत्रिपरिषद के द्वारा प्रधानमंत्री, ठीक है, यहाँ पर हो क्या है, प्रधानमंत्री होगा, ठीक है। तो आर्टिकल 75 प्रधानमंत्री से रिलेटेड है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति, ठीक है। लोकसभा के बहुमत दल का नेता जो होता है वो होता है आपका प्रधानमंत्री, ठीक है। अगर मान लो कोई भी जो भी अगर वैसे मान लो कोई भी प्राइम मिनिस्टर अगर चुना गया है, तो अगर वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने का समय दिया जाता है किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण करने के लिए। आयु अगर हम देखें तो लोकसभा के लिए कितनी बताई थी, 25 बताई थी, और राज्यसभा की याद रखना 30 होती है, ठीक है। और हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बताया गया है, जैसे अमेरिका में है, ठीक है, वहाँ प्रावधान है, यहाँ पर नहीं है, ठीक है। इस तरीके से जैसे हम तो प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, तो हमारे इधर कोई भी मतलब वहाँ पर राष्ट्रपति के लिए कोई वो मतलब वहाँ पर प्रोविज़न है, ठीक है, तो इधर नहीं है, लेकिन नो लिमिट, ठीक है। कोई अगर कितनी बार बनना चाहता है तो कोई लिमिट नहीं है, जैसे अमेरिका में 2 बार है ना। तो इस तरह से शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है प्रधानमंत्री को। और इनका कार्यालय जो होता है, कार्यकाल 5 साल का होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बोला जाए कि प्रसाद पर्यंत किसके, राष्ट्रपति के। त्यागपत्र जो है वो किसको देना होगा, राष्ट्रपति को देना होगा। शक्तियाँ अगर हम देखें तो मंत्रिपरिषद की बैठकें बुलवाना, बैठक की अध्यक्षता करना, मंत्रियों को अलग विभाग देना, विभागों को बांटना, मंत्रियों के माध्यम से विकास कार्य करना, ठीक है। राष्ट्रपति के संबंध में देखें तो राष्ट्रपति को सलाह देना नियुक्ति संबंधी, योजनाओं से अवगत कराना। संसद के संबंध में देखें तो लोकसभा को भंग करने का अधिकार है इन्हें, ठीक है। पीएम को संसद सरकार, जो संसद सरकार का मुखिया, जनता के प्रति जवाबदेहिता। अन्य कार्य देखें तो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं ये, अंतर्राज्य परिषद जो होती है आपकी, ठीक है, इनके हेड होते हैं, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। और सबसे लंबा कार्यकाल जो अगर आपको पूछा जाता है किस प्रधान इनका रहा था प्रधानमंत्री का, तो जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे। उपराष्ट्रपति के बारे में अगर आप को जानना है तो ये जो पद है वो हमने कहाँ से लिया है, अमेरिका से लिया है, ठीक है। और आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति के पद का वर्णन है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। 35 वर्ष की आयु हो इनकी, भारत के नागरिक हों, राज्यसभा में चुने या जाने योग्य हों, किसी लाभ के पद पर ना हो, ये चीज़ है। राष्ट्रपति की तरह ही इन्हें गुप्त मतदान प्रणाली, अप्रत्यक्ष एकल संक्रमणीय पद्धति के अनुसार इनको इलेक्शन होता है, इनको इलेक्ट किया जाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट राष्ट्रपति की। आर्टिकल 51 शांति व सुरक्षा बनाए रखना था, है ना, डीपीएसपी का। तो आर्टिकल 52 से स्टार्ट है ये राष्ट्रपति का। तो इसमें है राष्ट्रपति के पद के बारे में बोला गया है, कार्य एवं शक्तियां हैं। 54 में अगर हम देखें राष्ट्रपति के पद की बात की गई है, 52 में इनके कार्य एवं शक्तियों की बात की गई है, 54 में बात की है इलेक्शन की कि किस तरीके से चुने जाएंगे, निर्वाचन की, ठीक है। 55 में जो मेथड होगा ये चुनने का वो, ठीक है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं, तो ये अप्रत्यक्ष विधि से चुने जाते हैं, लोकसभा के एक तरह से निर्वाचित, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, दिल्ली और पांडुचेरी की विधानसभा, ठीक है, ये होते हैं। और देखिए हम लोग देख लेते हैं आर्टिकल 56 जो है वो कार्यकाल की बताता है, 5 वर्ष है इनका कार्यकाल, ठीक है। और जो इनको इनको अगर त्यागपत्र देना है तो ये किसको देंगे, उपराष्ट्रपति को देंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग। आर्टिकल 57 जो है वो बात करता है इनके राष्ट्रपति के पुनर्वाचन की,
यानी एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति के लिए, कोई सीमा तय नहीं है ना। जैसे यूएसए के अंदर 2 टाइम्स है अभी तक, जो 2 टाइम्स रहे इंडिया के, तो वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आर्टिकल 58 में उनकी योग्यताएं बोली गई हैं, तो भारत का नागरिक होना चाहिए, आयु जो होनी चाहिए वो 35 वर्ष होनी चाहिए, लोकसभा के सदस्य बनने योग्य हो, किसी के लाभ पद पर ना हो किसी भी, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। आर्टिकल 60 में शपथ लेने की बात की गई है कि जब भाई सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाएंगे, अगर अगर चीफ जस्टिस नहीं है तो भाई क्या किया जाए, तो वरिष्ठ जो है सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश उनको शपथ दिलाएंगे। आर्टिकल 61 महाभियोग की बात करता है, ठीक है, ये चीज आपकी हो गई। अब आर्टिकल 53 के अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं, शक्तियां, ठीक है, शक्तियां और कार्य। तो कार्यपालिका से संबंधित शक्तियां अगर हम देखें तो नियुक्ति करते हैं, ठीक है, नियुक्ति की शक्ति है, जैसे प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार मंत्रिपरिषद की नियुक्ति होती है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की नियुक्ति, चुनाव आयोग की नियुक्ति, वित्त आयोग की नियुक्ति, अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन करते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति आर्टिकल 263 के अकॉर्डिंग। वित्त आयोग अगर हम देखें आर्टिकल 280 के तहत गठन करते हैं इसका, वित्त आयोग का, और अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, इन सबको अगर उद्घोषणा करनी है किसी क्षेत्र की तो ये इनको राइट है, ठीक है, ये चीज़। ST SC OBC आयोग का गठन, वो भी इनको ही है। विधायी शक्तियाँ देखें तो संसद का अभिन्न अंग है, कोई भी बिल जैसे विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही पारित माना जाता है ना, संविधान संशोधन बिल जो होगा वो पहले हस्ताक्षर इनसे करवाया जाता है। आर्टिकल 123 अगर हम देखें तो ये अध्यादेश जारी करने की शक्ति इनको मिली हुई है, संसद को संबोधित करने का अधिकार है, भाषण देने का अधिकार है, सत्र बुलाने का अधिकार है, लोकसभा को भंग करने का अधिकार है। अब बात करें इनकी फाइनेंशियल पावर्स की, तो धन विधेयक सबसे पहले राष्ट्रपति की सहमति चाहिए होती है, देन फिर लोकसभा में जाता है ना। आकस्मिक निधि अगर हम देखें, राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। प्रत्येक वर्ष जो आर्टिकल 112 के तहत राष्ट्रपति वार्षिक वित्तीय विवरण करने को कहते हैं कि भाई वार्षिक विवरण चाहिए। फिर न्यायिक शक्तियाँ देखें तो आर्टिकल 72 के तहत क्षमादान की शक्ति है इन्हें, अपराधी को सज़ा को कम करने की शक्ति है, ठीक है, और 143 से सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की शक्ति है, लेकिन बाध्य नहीं है, ये ध्यान रखना। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। सैन्य शक्ति देखें तो जल थल वायु इन सब के अध्यक्ष होते हैं, युद्ध व शांति की घोषणा भी यही करते हैं। आर्टिकल तीनों जो इमरजेंसी से रिलेटेड हैं, 352, 356 और 360, यानी राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, और वित्तीय आपातकाल 360, और आपका जो राष्ट्रपति शासन है या राज्य आपातकाल बोलते हो आप 356, ठीक है। तो 3 बार जो है आपका राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, 1962, 1971 और 1975। वीटो शक्ति अगर हम देखें तो आर्टिकल 111 पॉकेट वीटो जो मिली है, ठीक है, तो वो इनको 111, ठीक है, इससे मिली है। स्वविवेक की शक्ति देखें, स्वविवेक की शक्तियां भी इनके पास हैं, ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं फेडरल सिस्टम की, बात कर लेते हैं। तो फेडरल सिस्टम अगर हम देखें तो एक ही भूभाग पर दो सरकारों का चलना, यानी फेडरल सिस्टम, संघीय शासन है ना। तो आप लोगों का संघीय सरकार और एकात्मक सरकार में आपको अंतर पता होना चाहिए। तो संघीय सरकार में अगर हम देखें तो दोहरी सरकार होती है, एकात्मक सरकार में सिर्फ राष्ट्रीय सरकार होती है और जो क्षेत्रीय सरकार बना सकती है। संघीय सरकार में लिखित संविधान होता है और एकात्मक सरकार में संविधान लिखित भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। और संघीय सरकार में अगर हम देखें संविधान सर्वोच्च होता है और यहाँ पर एकात्मक में हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। संविधान रिजिड होता है, कठोर होता है संघीय में, एकात्मक में कठोर हो भी सकता है और लचीला भी हो सकता है। यहाँ पर जो संघीय सरकार होती है इसमें जो आपकी जुडिशरी होती है वो इंडिपेंडेंट होती है। एकात्मक में अगर हम देखें तो हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, ठीक है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट।
संघीय सरकार में आपका जो है राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सरकारों के बीच में क्या होता है, पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यहाँ पर शक्तियों का कोई विभाजन नहीं होता है एकात्मक में, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। और संघीय सरकार में द्विसदनीय विधायिका होती है, और यहाँ पर द्विसदनीय भी हो सकती है और एक सदनीय भी हो सकती है। अब एक सदनीय कहाँ पर है, चीन में, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद देखिए जो संघ शासन है ये फॉयडस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है संधि या फिर कोई एग्रीमेंट, है ना, ये होता है। इसकी विशेषताएं आपको पता होनी चाहिए, लिखित संविधान है, शक्तियों का विभाजन किया गया है, संविधान की सर्वोच्चता है, शक्तियों को दो उसमें बांटा गया है, ठीक है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार ऐसे करके, कठोर संविधान है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, द्विसदनीय विधायिका है, ठीक है, ये चीजें। ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी आई होप। अब हम बात कर लेते हैं सेंट्रल स्टेट रिलेशन की। तो सेंट्रल स्टेट रिलेशन में आपको तीन चीजें ऐसे याद रखनी है, विधायी संबंध याद रखने हैं, ठीक है, विधायी संबंध में आपको आर्टिकल याद रखने हैं 245 से 255, ठीक है, इसमें ये चीजें याद रखनी है। और विधायी इसमें जो विषयों का बंटवारा अगर हम देखें तो तीन पे है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 है और समवर्ती में 52 हैं आज। फिर आ जाएगा प्रशासनिक संबंध, तो इसमें 256 से 263 तक आर्टिकल याद रखने हैं, ठीक है। फिर आ जाएगा वित्तीय संबंध, तो 268 से 293 तक याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। इसमें जो है बस वही चीज़ है कि वो केंद्र सरकार जो होती है वो राज्य सरकार के उस पर भी अपना बना सकती है, ठीक है। फिर यहाँ पर आ जाओ, सबसे इम्पोर्टेंट है प्रशासनिक सुधार आयोग। अब ये क्या था, ये मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में हुआ था 1966 में, ठीक है, इसका गठन किया गया था और 1969 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। इसके अंदर इन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दी थी 22। अब 22 आपको नहीं करनी है, सिर्फ इम्पॉर्टेंट करनी है। तो इन्होंने सबसे पहले जो प्रशासनिक सुधार आयोग था इसने इंटर स्टेट काउंसिल के गठन के लिए बोला, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। सेकेंड थिंग इज़ कि भाई इन्होंने राज्यपाल के रूप में गैर दलीय ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो भाई किसी भी तरह से प्रशासन में लंबा अनुभव, एक तरह से मतलब एक तरह से वो उससे रिलेटेड ना हो, बस ये चीज़। राज्य के लिए अधिकतम शक्तियों के लिए बोला गया, ठीक है, और राज्य को ज़्यादा वित्तीय संसाधन दिए जाएं ताकि केंद्र पर निर्भरता कम रहे। अभी यहाँ पर ना इसलिए दिया गया था, ये प्रशासनिक सुधार आयोग, राजमन्नार, ठीक है, सरकारिया आयोग, मैं इसलिए ये सब बता रही हूँ क्योंकि मैंने वैसे प्लस में पढ़ाया हुआ है, ठीक है, बहुत ब्रीफ में बच्चों को पढ़ाया है मैंने ये चीज़। मैं इसलिए आप लोगों को ये बता रही हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको आना चाहिए, ठीक है, कि भाई पूछ लेंगे, जैसे पिछली बार पूछा था तो आपको पता होना चाहिए। प्रशासनिक सुधार आयोग के अंदर क्या था बच्चों, वित्तीय संसाधन एक तरह से दिए जाने चाहिए राज्यों को ताकि वो केंद्र पर निर्भर ना रहे। फिर आ जाए राजमन्नार समिति पे, ये थी 1969 की। तो इसमें क्या था, ये तमिलनाडु के थे राजमन्नार, इनकी अध्यक्षता में हुई थी ये, ठीक है। इसके अंदर इन्होंने 3 सदस्यीय समिति का गठन किया था और 1971 में तमिलनाडु सरकार को अपना जो था रिपोर्ट सौंप दी थी। तो इसके अंदर उन्होंने बोला कि संविधान में विशेष प्रावधान जो है वो केंद्र को विशेष शक्तियां प्रदान करते हैं, केंद्र और राज्य दोनों एकल पार्टी की सरकार, ठीक है, इसकी तरह बोला यहाँ पर। और कुछ सिफारिशें इन्होंने बोली कि एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाए, इंटर स्टेट काउंसिल, लेकिन पहले किसने बोला, पहले प्रशासनिक सुधार आयोग ने बताया इसके बारे में, ठीक है। योजना आयोग का स्थान जो है वो संविधि निकाय को दे दिया जाए, ठीक है, ये चीज़ बोली। वित्त आयोग को स्थायी निकाय बनाया जाए, ये बोला गया इधर, ठीक है। और फिर अगर हम देखें तो संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों को राज्य सूची में हस्तांतरित कर दिया जाए, ये चीज़ भी इन्होंने बोली। IAS, IPS, IFS इनको अगर हम देखें तो ये अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त कर दिया जाए, ये राजमन्नार में कहा गया था। फिर आ जाओ आनंदपुर साहिब प्रस्ताव, तो ये जो था 1973 में जो अकाली दल था, ठीक है, तो उसमें एक तरह से था यहाँ पर, ठीक है। तो अकाली दल पंजाब के आनंदपुर साहिब में हुआ था ये,
इस प्रस्ताव में जो था आपका वो रक्षा, विदेशी संबंध, संचार, मुद्रा, इन सभी विषयों को क्या कर दिया जाना चाहिए, राज्यों को सौंप दिया जाना चाहिए, इतना कहा गया था। ये ध्यान रखना बस, ठीक है। कौन कौन से विषय? रक्षा, विदेश संबंध, संचार, मुद्रा। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव 1973, कौन सा दल जुड़ा हुआ है? अकाली दल पंजाब का। फिर आ जाओ आपका सरकारी आयोग, 1983 का है सरकारी आयोग, ठीक है। इसमें केंद्र राज्य संबंधों पर 3 सदस्यीय आयोग का गठन हुआ किया, ठीक है। 1987 में अपनी रिपोर्ट को सौंपा, ठीक है। और यहाँ पर जो रिकमेंडेशंस थी, टोटल 247 रिकमेंडेशंस थी। अब आपको इम्पॉर्टेंट याद रखनी है, इसमें एक स्थायी अंतर्राष्ट्रीय परिषद हो, ये चीज़ उन्होंने बोली, जिसको आर्टिकल 263 के तहत रखा जाना चाहिए। 356 जो आर्टिकल है आपका, राष्ट्रपति शासन का इस्तेमाल किया जाए, ठीक है। उसके बाद अखिल भारतीय सेवाओं के संस्थान को अधिक मजबूत बनाना चाहिए, ये बोला इन्होंने। संसद कराधान की शक्ति निहित रहनी चाहिए, समवर्ती सूची में शामिल किया जाना चाहिए अन्य शक्तियों को। राष्ट्रपति जो हैं विधेयक की स्वीकृति के लिए आरक्षित करें, राज्य सरकार को ये बताया जाना चाहिए। यानी कि जब राष्ट्रपति राज्यों को किसी विधेयक की स्वीकृति के लिए आरक्षित करें तो राज्य सरकार को इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्म करना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ बोली गई। समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने से पहले केंद्र को राज्य से परामर्श करना चाहिए, ये चीज़ भी बोली गई, ठीक है। और यहाँ पर जो था आपको, ये चीज़ें आपकी इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। भाषागत अल्पसंख्यकों के लिए कमिश्नरी प्रारंभ करनी चाहिए। फिर आ जाती है आपकी पुंछी आयोग। पुंछी आयोग भी आपका जो था सेंटर स्टेट रिलेशंस रिलेटेड था। ये था आपका 2007 का। इसके अंदर क्या था, उच्चतम जो सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन हुआ था, ठीक है। इसमें क्या था, ये ध्यान रखना है, इस आयोग ने जो सुप्रीम कोर्ट के विशेष आदेश और विभिन्न क्षेत्रों में कार्य उत्तरदायित्व जिनमें शामिल किए गए, इसमें प्रशासनिक संबंध, राज्यपाल की भूमिका, आपातकालीन उपबंध, ठीक है, वित्तीय संबंध, पंचायती राज संस्थान, आर्थिक सामाजिक योजना, अंतर राज्य जो नदी जल बंटवारा है वो केंद्र सरकार को उचित सिफारिशें प्रस्तुत करनी थी, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। इसके अंदर आपको ये याद रखनी है रिकमेंडेशंस क्या क्या थी, तो ये ढेर देख लेते हैं। रिकमेंडेशंस अगर हम देखें तो इसमें राज्यों के संबंध में केंद्र की भूमिका, दायित्व, कार्यक्षेत्र कैसा होना चाहिए, ये एक तरह से इसमें बताया गया कि भाई हिंसा से ग्रस्त हो, एक तरह से अगर हम देखें तो हिंसा से ग्रस्त था, ठीक है। और इसमें क्या था बच्चों, एकता की अखंडता को अक्षुण रखने के लिए लोगों को कल्याण हेतु अच्छे शासन को सुनिश्चित करने के लिए चुनौतियों को किस प्रकार सामना किया जाए, इन सब चीज़ों को भी यहाँ पर बताया गया था, ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग। और क्या था इसमें, आप लोगों को ये याद रखना है, ठीक है, इसका जो है, ठीक है, इतना आप लोग ध्यान रख लेना। अब चलते हैं हम लोग आगे, ठीक है, अभी तो मुझे इतना ही याद आ रहा है। चलिए, सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, ठीक है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, ये जो ऑडियो है आप लोगों के लिए, ठीक है, ये अब आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना एंड बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। आप लोगों का जो पेपर है वो बहुत अच्छा हो, ठीक है। आप सभी अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए क्योंकि GRF इज़ कमिंग। सो थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।